जिले के विजयपुर इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव सड़क पर पड़ा हुआ मिला। उसकी छाती पर गहरा घाव था और खून निकल रहा था। युवक के भाई ने उसकी पत्नी और ससुराल वालों पर हत्या के आरोप लगाए हैं। विजयपुर पुलिस ने दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार गोविंद नगर रुठियाई के रहने वाले विशाल चंदेल 35 पुत्र श्रीलाल चंदेल ने पुलिस को बताया कि वह मजदूरी का काम करता है। वर्तमान में ग्राम गोला खेजी में मजदूरी का काम कर रहा है। सोमवार सुबह 10 बजे वह अपने घर से मजदूरी करने के लिए ग्राम गोला खेजी चला गया था। सुबह करीब 10:15 पे उसके पास उसके भाई पंची की पत्नी प्रीति चंदेल का फोन आया। उसने कहा कि भाई साहब, मैं अपने कपड़े लेने के लिए घर पर आई हूँ। विशाल ने बताया कि इसके कुछ देर बाद मेरे भाई पंची का फोन आया। उसने बताया कि प्रीति, उसका भाई कान्हा, ससुर इंदर सिंह चंदेल और सास रुचियाई आए हैं और मुझे बुला रहे हैं। मैंने मेरे भाई बंचे से उनसे रुचियाई मिलने जाने से मना कर दिया था, क्योंकि मेरे भाई का उसकी पत्नी व उसके ससुराल वालों से करीब एक महीने से विवाद चल रहा है। शाम करीब 5 बजे पार्षद विवेक चंदेल का फोन आया। उन्होंने बताया कि मेरे भाई की हत्या हो गई है और उसका शव गिदिया लाडपुरा रोड पर पड़ा हुआ है। विशाल ने पुलिस को बताया, मैं मोटरसाइकिल से गिदिया लाडपुरा रोड पर गया तो देखा कि मेरे भाई बंची का शरीर चित अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ था। उसके शर्ट पर छाती में खून बह रहा था। मैंने देखा तो उसके बाएं तरफ छाती में गहरा घाव था। ऐसा लग रहा था कि किसी नुकीली धारदार हथियार से मेरे भाई के छाती पर वार किया गया है, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। मुझे रुठियाई के छोटू ओझा ने बताया कि उसने मेरे भाई बंची, उसकी पत्नी प्रीति और साले कान्हा को गिदिया की तरफ जाते देखा था। मुझे संदेह है कि मेरे भाई की हत्या उसके साले कान्हा और पत्नी प्रीति ने मिलकर की है। उसकी शिकायत पर विजयपुर पुलिस ने दो अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जयपुर थाने की बात है। विशाल चंदेल नाम के व्यक्ति ने थाने पे रिपोर्ट लिखाई कि कल सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच की घटना है। भाई बंटी और पत्नी का पहले करीब एक माह से विवाद चल रहा है और कल सुबह 10:15 बजे उसके साला काना और पत्नी प्रीति के साथ ये रूठाई तरफ से विजयपुर गांव तरफ जाने की सूचना मिली थी और करीब 5:15 बजे भाई की डेड बॉडी मिली, जिसके छाती पे नुकीले हथियार से घाव गहरा घाव लगा मिला और मृत अवस्था मिला। मामला शहर के हाजी मिल इलाके में सामने आया, जहां के रहने वाले 39 वर्षीय दीपक पुत्र गजराज सिंह लोधी ने बीती शाम लगभग 5:30 बजे घर के एक कमरे में पंखे के कुंदे पर दुपट्टा से फंदा बनाकर डाला और फिर उसी पर झूल गया। उस समय घर पर कोई अन्य नहीं था। कुछ समय बाद जब उसकी छोटी बहन घर में पहुंची तो उसे इस आशय की जानकारी लगी, जिसने घर के अन्य लोगों को इस आशय की जानकारी दी और दीपक को फंदे से उतारकर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भी ले आए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। क्या नाम है आपका? भगवान सिंह। कौन थे आप? जी बता, क्या हुआ? अभी पता नहीं क्या हुआ जी, हम तो दूर रहते हैं उनसे। हाँ, और छोटी बहन ने फोन लगाया कि भैया ने फांसी लगा दिया, तो हम वहाँ से भागते हुए आए। उन्होंने उतार दिया था फिर छोटी बहन ने। क्या नाम है इनका जो खत्म हो? ये खत्म हो। कितनी उम्र होगी? 45। क्या काम करते हैं? कबाड़े का। कहाँ रहते हैं? हड्डी में। कब की घटना है? कल की। कितने के बच्चे देंगे? 3 बच्चे हैं उनके। कहाँ रहते हैं? हड्डी में। उस समय कहाँ थे वो? मकान में ही थे उनके। बच्चे तो एक इंदौर रहता है, वो पार। गुना में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने राहुल गांधी का फूका पुतला, विहिप ने लगाए राहुल खान मुर्दाबाद के नारे। राहुल गांधी के बयान के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने भी प्रदर्शन किया। उन्होंने जयस्तंभ चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला फूका। कार्यकर्ता जयस्तंभ चौराहे पर एकत्रित हुए। यहां से चौराहे का चक्कर लगाते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने पहुंचे, यहां पुतला दहन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल खान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। संसद में राहुल जिसको राहुल जिहादी भी कह सकते हैं, राहुल खान ने संसद में बोला है कि हिंदुओं का अपमान किया है और हिंदुओं को हिंसक बताया है, और इसके बाद शंकर जी की तस्वीर लेके वो त्रिशूल ले खड़े हैं, तो उनको भी शंकर जी का भी अपमान कर दिया, भगवान का, जो हिंदू समाज पूरे देश जुड़ा है और देश की आस्था का केंद्र है। उन शंकर जी कह दिया कि ये त्रिशूल ले हैं,
और हिंदू हिंसक है, हिंसक है। जबकि हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी पहचान है, हिंदू समाज हिंसा नहीं करता। चिंटी अगर कहीं रहती है तो निकल के पास में से आता, चिंटी पैर से ना मरे, ऐसा हिंदू समाज का सोच है। हिंदू सेवाकारी करता है, हिंदू कभी भी देश की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व के कल्याण की कामना बात करता है, विश्व की कल्याण की कामना की बात करता है। और धर्म की जय हो, हर धर्म की जय हो, किसी के व्यक्ति को हिंदू धर्म की जय नहीं बोलता। अधर्म का नाश हो, अधर्म करने वाले जो भी हैं या अधर्म जो भी करता हो उसका नाश हो, ऐसी सोच रखने वाला हिंदू समाज है। ये हिंदू समाज को अपमान करने की को प्रयास किया गया है। ये राहुल गांधी को होश में आकर सोचना चाहिए तीन बार कि ये अगर हिंदू अपमान नहीं सहन करेगा और हिंदू यदि उसको नहीं चुनते तो यहाँ चुन के नहीं आता, केवल मियाओं ने नहीं चुना उसको। ये ध्यान रखे, राहुल गांधी हिंदू अपमान नहीं सहेगा। इसलिए हिंदू विश्व हिंदू परिषद बजरंगदल ने आज ज्येष्ठम चौराहे पर पुतला दहन किया और एक प्रदर्शन किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर प्रदेश भर में भाजपा द्वारा प्रदर्शन किए गए। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर गुना में भी प्रदर्शन किया गया। युवा मोर्चा के बैनर तले जयस्तंभ चौराहे पर प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। बता दें कि लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वह 24 घंटे हिंसा 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 नफरत 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 असत्य 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 कहते रहते हैं। ये हिंदू है ही नहीं, आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़े होने चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, अहिंसा फैलाना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान पर देश भर में हंगामा हो गया। प्रदेश में भी भाजपा ने उनके बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर गुना में भी प्रदर्शन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले जयस्तंभ चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने कहा कि वह राहुल गांधी के इस बयान की निंदा करते हैं, उन्हें संसद में माफी मांगनी चाहिए। वहीं चौराहे पर आकर भी देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, यह करोड़ों लोगों का अपमान है। नगरपालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता ने भी संबोधित करते हुए राहुल गांधी के बयान की निंदा की। पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज सबको पता है, पूरी मीडिया को भी पता है, जो प्रेस अपराध जो राहुल गांधी ने किया है, क्योंकि इस संसद के सत्र में चलते हुए उन्होंने हिंदुओं को झूठा बताया, हिंदुओं को हिंसक बताया और हिंदुओं को अपमानित किया है। हिंदुओं को अपमानित करके उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। प्रत्येक देश के करोड़ों हिंदुओं का उन्होंने संसद सत्र के दौरान अपमान किया है। उनको संसद सत्र में सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए और मीडिया में सामने आके करोड़ों हिंदुओं का जो अपमान हुआ है, एक एक हिंदू से उनको आगे आकर उनको माफी मांगना चाहिए। एक तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इसको आंदोलन बनाएगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान करता हूँ जिले की ओर से कि यदि ये माफी नहीं मांगते हैं तो इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इनके सांसद सनातन धर्म को नष्ट करने की बात करते हैं, कभी हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं और आतंकवादियों के सम्मान में इनके सांसद इनके नेता खड़े रहते हैं। ये अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा, क्योंकि इनको पता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है उससे बौखला रहे हैं और उनको सत्ता नहीं मिली है। इसी बार उनको सत्ता हिंदुओं का एक एक हिंदू का अपमान किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी जिले के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ कि अभियान गांव गांव गली गली मोहल्ले और बूथ पर जाकर ये चर्चा राहुल गांधी की बताना चाहिए कि राहुल गांधी ने क्या अपराध किया है और राहुल गांधी फ्रंट में आकर सभी से माफी मांगे, नहीं तो आंदोलन बहुत उग्र होगा और प्रदेश में तो जैसा हमें निर्देश देगा उस पर हम आगे करके कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राहुल गांधी जी की जो इस तरह की टिप्पणी है तो क्या कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है? बिल्कुल है, कांग्रेस हिंदू विरोधी कम नहीं थी, हिंदुओं के साथ कांग्रेस कब खड़ी थी? पूरा खुल के सामने उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपने देखो संसद में स्पष्ट कहा है हिंदू हिंसक है, हिंदू नफरती है, हिंदू झूठे हैं, स्पष्ट बोला है। और बताए
जिले के म्याना थाना अंतर्गत ग्राम पाचाई में 3 माह पहले सामने आए दवा छिड़काव के दौरान उसके नाक मुंह से अंदर चले जाने के कारण एक ग्रामीण की मौत के बाद पीड़ित परिवार द्वारा आज जनसुनवाई में लेखी शिकायत देते हुए आर्थिक सहायता राशि दिलाए जाने की मांग की है। असल में मामला यह है कि म्याना थाना इलाके के ग्राम पाचाई के रहने वाले मनोज शिकारी की विगत 3/4/2024 को उस समय मौत हो गई थी जबकि वह खेत पर दवा छिड़काव के लिए गया हुआ था। इसी दौरान जहरीली दवाई उसके नाक मुंह से शरीर में प्रवेश कर गई थी और इसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई थी। मृतक अपने पीछे पत्नी के अलावा 5 बच्चियां भी छोड़ गया है जिनके पिता का निधन हो जाने के बाद परिवार के समक्ष भरण पोषण तक का संकट उत्पन्न हो गया है। इसी पर से मृतक की विधवा उषाबाई ने आज 5 बच्चियों सहित जन सुनवाई में पहुंचकर पति की असामाजिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता राशि दिलाए जाने की मांग की है। यही नहीं, मांग पत्र में इस संदर्भ में पंचायत के सरपंच सचिव के अलावा तहसीलदार के समक्ष भी सहायता राशि दिलाए जाने की गुहार किए जाने के बाद भी कोई हल नहीं निकले को रेखांकित करते हुए कलेक्टर से आर्थिक सहायता राशि दिलाए जाने की मांग की गई है ताकि विवाह योग्य 2 बच्चियों की शादी की जा सके, साथ ही परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था भी की जा सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष। क्या घटना हुई? पाटाई। बताएं क्या घटना हुई? मेरे भैया के लिए दवाई डालने गए थे खेत में, अब भेड़ से दवाई चली गई अंदर। इसके बाद में हम अस्पताल में लाके इलाज चालू करवा दिया। इसके बाद में वो शांत हो गए तो आज तक कोई लाभ नहीं मिला है हमारे लिए। और इसके बाद में हम गए तो पंचायत वाले ने कहीं खर्च से निबट लो, खर्च के बाद में देखी जाएगी। तो आज तक कोई सुनवाई नहीं है हमारे, 3-4 महीने हो गए। कलेक्टर का भागा हम जाए तहसील में, तहसीलदार के पटवारी ने कागज ले लाए, पटवारी ने मना कर दी और पंचायत में गए, सेक्रेटरी ने मना कर दी। इसका मतलब हमारा गरीब आदमी का कोई भी नहीं है। किस तरह की सहायता चाहते हैं? कोई सी भी सहायता नहीं मिली हमारे लिए, 10 रुपया ही सहायता नहीं मिली। कैसे चली गई थी दवाई? क्या हुआ? दवाई हवा भेड़ से चली गई, यानी पानी की टंकी टांग के चलते है ना, उससे वो एकदम हवा आई, हवा के कारण अंदर श्वास द्वारा चली गई। इसके बाद में भाई साहब की मृत्यु। क्या नाम था उनका? मनोज शिकारी। कितनी उम्र थी? 36 वर्ष। कहाँ निवासी थे? पाटई। कितने इनके बच्चे हैं? 5 बच्चियां हैं इनकी साहब। बढ़िया से खेत लिया था, उसमें कुछ कोई पैदा नहीं निकली। इसके बाद में वो घबरा गया, वहां के अब क्या करें, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। सरकारी अस्पताल में लेके गए तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने बोला कि भाई पैसे तो लगेंगे। मैंने कहा पैसा अब है तो नहीं है भैया, तुम सही करो। तो उनने भी कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। नगर पालिका राघोगढ़ नहीं बना पाई वार्ड क्रमांक 20 में लाड़पुरा गांव की सड़क। परेशान लोगों ने कलेक्टर से की शिकायत। राघोगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 20 के ग्राम पाड़रखेड़ी के ग्राम लाड़पुरा में अभी तक नगर पालिका द्वारा सड़क नहीं बनाई गई है, जिसके चलते बारिश में परेशान लोग 2 जुलाई को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, कलेक्टर से शिकायत कर सड़क बनवाए जाने की मांग की है। शिकायतकर्ता लोगों के साथ पहुंचे प्रदीप केवट नाम के युवक ने बताया, राघोगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 20 में आने वाले पाड़रखेड़ी गांव के लाड़पुरा गांव की 3 किलोमीटर सड़क है जो कि कच्ची है, जिसमें बारिश में आने जाने में स्कूली बच्चों, मरीजों एवं गांव वालों को दिक्कत होती है। कई बार राघोगढ़ नगर पालिका में आवेदन दे चुके लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। बारिश शुरू होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा तो 2 जुलाई को कलेक्टर से मामले की शिकायत कर सड़क बनाने की मांग की। मैं आपका? मेरा नाम प्रदीप केवट है सर। जी बताएं कि समस्या को लेकर आज आप ज्ञापन दिया है। समस्या ये है कि राघोगढ़ नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 20 पाड़रखेड़ी में गांव आता है सर लाड़पुरा, सर उसमें एक सड़क है 3 किलोमीटर की जो कि आज कम से कम 15 से 20 साल से अभी तक नहीं बनी। उस गांव से बच्चे और युवा विद्यालय महाविद्यालय में जाते हैं लेकिन क्या है कि उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उसी गांव से सर कुछ लोग हैं जो मजदूरी करने गेल और एनएफएल प्लांट जाते हैं लेकिन क्या है कि कई बार सीएमओ सर, नगर पालिका और आज एसडीएम महोदय को भी दिया है राघोगढ़ में ज्ञापन और यहाँ कलेक्टर सर को भी दिया है। जब मैंने सर कलेक्टर सर को आवेदन दिया तो उन्होंने कहा कि सरकार के पास बजट नहीं है, इस कारण से आपकी सड़क नहीं बन पा रही। तो मैंने कहा सर सड़क नहीं बन पा रही तो कुछ करवा दीजिए, उसमें डामरीकरण वगैरह या फिर मरम डलवा दीजिए जिससे कि गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोग हम समस्या ना आए, पानी से बच के निकल जाए।
सर इतनी स्थिति खराब है उस नगर पालिका के उस रोड की कि वहाँ लगता ही नहीं कि पहले कभी सड़क थी, आज से 20 साल पहले सड़क थी। आज पानी भरा हुआ है, कीचड़ है, लोग पैदल नहीं निकल पा रहे हैं वहाँ से। गुना पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा के दिशा निर्देशन में गुना पुलिस द्वारा जिले में अपराध एवं अपराधियों पर निरंतर कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी क्रम में विगत दिवस कैंट थाना अंतर्गत ग्राम हिलगना की पठार पर अज्ञात तीन बदमाशों द्वारा बाइक सवार दो युवकों को रोककर उनके साथ मारपीट व लूट के प्रकरण में कैंट थाना पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्रवाई करते लूट को अंजाम देने वाले दो आरोपियों सहित एक विधि विवादित किशोर को अभिरक्षा में लेकर जिनके कब्जे से युवकों से लूटे हुए जेवर मोबाइल व नकदी बरामद करने में उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गत दिनांक 1 जुलाई 2024 को फरियादी शुभम लोधा पुत्र स्वर्गीय हरिप्रसाद लोधा उम्र 24 साल निवासी पठार मोहल्ला गुना द्वारा कैंट थाने पर रिपोर्ट करते हुए बताया था कि दिनांक 29 जून की शाम को वह अपने मामा के लड़के हरिओम लोधा के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम हिलगना जा रहा था। जैसे ही वह हिलगना की पठार पर पहुंचे तो तीन अज्ञात लड़कों ने उन्हें रोक लिया और तीनों के द्वारा उनके साथ लाठखोसों से मारपीट कर उनके दो मोबाइल, एक आईफोन व दूसरा रियलमी नार्जो कंपनी का, हाथ में पहना हुआ चांदी कड़ा, गले में पहना हुआ सोने का लॉकेट व जेब में रखे 10,000 रूपये छीनकर जंगल तरफ भाग गए, जिसकी रिपोर्ट पर से अज्ञात तीन आरोपियों के विरुद्ध कैंट थाने में अपराध क्रमांक 654/24 धारा 394 भादवी के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। गुना पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा द्वारा लूट की उपरोक्त घटना को संवेदनशीलता से लेकर लूट कार्य करने वाले अज्ञात आरोपियों की जल्द से जल्द पतारसी कर उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। पूछताछ करने पर उनके तीनों के द्वारा दिनांक 29 जून को शाम के समय हिलगना के पठार पर दो लड़कों की मारपीट कर उनके दो मोबाइल, चांदी का एक कड़ा, सोने का एक लॉकेट व नकदी 10,000 रूपये लूटना स्वीकार किया एवं लूटे हुए सामान को आपस में बांट लेना तथा पकड़े जाने के डर से एक मोबाइल को नाले में फेंक देना तथा आईफोन को तोड़कर जमीन में गाड़ देना बताया। पुलिस द्वारा आरोपियों की निशानदेही से टूटा हुआ आईफोन, मोबाइल, चांदी का कड़ा, सोने का पेंडल एवं 6,000 रूपये नकदी बरामद कर लिए गए हैं एवं लूट के इस प्रकरण में गिरफ्तार शुदा आरोपी अजरुद्दीन एवं अफसर खान को आज माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया है एवं प्रकरण के विधि विवादित किशोर को बाल संप्रेषण गृह भेज दिया। कैंट थाना पुलिस की इस उल्लेखनीय कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक दिलीप राजौरिया, उप निरीक्षक जगदीश जाटव, प्रधान आरक्षक राहुल भदौरिया, आरक्षक धर्मेंद्र रघुवंशी, आरक्षक अर्जुन यादव, आरक्षक भानु रघुवंशी एवं आरक्षक विनोद धाकड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। न बिजली है और न ही पानी, बावड़ीखेड़ा के 20 परिवारों को सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं। डाकोगढ़ तहसील के बावड़ीखेड़ा के रहने वाले ग्रामीणों ने आज जनसुनवाई में लिखी ज्ञापन देते हुए पेयजल और विद्युत की व्यवस्था गांव में आज तक नहीं हो पाने पर से आक्रोश जताते हुए उक्त सुविधाएं दिलाए जाने की मांग की है। डाकोगढ़ तहसील अंतर्गत दोराना इलाके के ग्राम बावड़ीखेड़ा के रहने वाले इन ग्रामीणों द्वारा दिए गए शिकायत पत्र के अनुसार गांव में 20 परिवार रहते हैं, लेकिन उनके लिए न तो बिजली है और न ही पानी, यही नहीं आवागमन के लिए पक्की सड़क नहीं है, जबकि उनका यह गांव राघोगढ़ नगरपालिका परिषद में आता है और इसी पर से उनके द्वारा क्षेत्रीय पार्षद से भी कई बार उक्त मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की जाती रही है, लेकिन इसके बाद भी समस्या का हल नहीं मिल पाया है। यही नहीं, इन ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। इसी पर से इन ग्रामीणों ने आज जनसुनवाई में लिखी ज्ञापन देते हुए बिजली, पानी व सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। समस्या लेके आए हैं सर जी, हमारे यहाँ पे 40 सालों से ना लाइट है, ना पानी है, ना रोड है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग हर जगह गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। कहाँ पे ये बावड़ीखेड़ा आश्रम दोराना के पास में तहसील राधोगढ़। कब से लाइट नहीं है? लगभग सर 40 सालों से। 40 सालों से नहीं? जी सर। आप निवासरत कब से हैं? वहाँ पे हम लोग 40 साल से ही रह रहे हैं सर जी। वहाँ के जनप्रतिनिधि से मिले आप? सबसे मिले हैं सर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हमारी। कारण क्या निकल करेगा? कारण बस बोलते हैं सर हो जाएगा, कई बार गए, खम्भे गाड़ रहे हैं। हाँ, खम्भे गाड़े हैं लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई सर। कितने लोग बसती है वहाँ पे? सर हम लोग कम से कम 20 से 25 घर हैं। क्या नाम है आप? पंचायत में आते हो? वार्ड नंबर 21 में। पंचायत कौन सी है? पंचायत हमारे नगर पालिका में आते हो? हाँ, नगर पालिका में आते हैं। कौन सा गाँव है? बावड़ीखेड़ा आश्रम। क्या नाम है आपको? कैसा जीवन यापन हो रहा है आपका? लाइट सर हम लोग बड़ी मुश्किलों से रह रहे हैं। अगर हमारे यहाँ कोई मेहमान आए तो वो एक घंटे से ज्यादा नहीं रुक सकता।
ऐसी पोजीशन है, बहुत ज्यादा समस्या है हम लोगों के लिए। आपने शिकायत की है इस बात के लिए बिजली विभाग या कोई? सब बिजली विभाग में भी गए हैं सर जी, लेकिन वो भी बोलते हैं तुम्हारे विधायक साहब से बोलो, विधायक साहब के पास जाते हैं वो भी बोलते हैं कि हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। मतदान कहाँ पे करते हो आप? पारखड़ी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मिंटू यादव। नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता और नपा उपाध्यक्ष धर्म सोनी के बीच चली आ रही आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई और आपसी खींचतान अब कोर्ट में मानहानि तक पहुंच गई है। मंगलवार को नपा अध्यक्ष सविता गुप्ता एवं उनके पति अरविंद अपने अभिभाषक मनोज श्रीवास्तव के साथ जिला न्यायालय पहुंचे। यहां उन्होंने न्यायालय जेएमएफसी के कोर्ट में परिवाद दायर कर नपा उपाध्यक्ष द्वारा बार बार लगाए जा रहे आरोपों को मानहानि के तहत मामला दर्ज कराने की मांग की। यहां यह उल्लेखनीय है कि नगर पालिका में नपा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों ही भाजपा खेमे में से हैं, जिनके बीच लंबे समय से तलखी बनी हुई है। नपा उपाध्यक्ष श्री सोनी द्वारा नपा अध्यक्ष पति पर भ्रष्टाचार से लेकर नपा में मानमानी करने के आरोप लगा चुके हैं। वहीं नपा अध्यक्ष श्रीमती गुप्ता नपा उपाध्यक्ष के इन आरोपों को बेबुनियादी और निराधार बताते हुए बार बार मानहानि का केस लगाने की हिदायत देती रही। आखिरकार मंगलवार को उन्होंने अपने वकील के माध्यम से जेएमएफसी न्यायालय में परिवाद दायर किया, जिसके अनुसार उन्होंने न्यायालय को बताया कि वह निर्वाचित महिला पार्षद एवं नपाध्यक्ष हैं, शहर में उनका मान सम्मान है, लेकिन नपा उपाध्यक्ष पर पदस्थ धर्मेंद्र सोनी उर्फ धर्म किसी न किसी बात को लेकर परिवादिया एवं उनके पति अरविंद गुना से विवाद कर तथा भ्रष्टाचार एवं गुंडागर्दी तथा अन्य ऐसे झूठे आरोप लगाता रहता है, उन्हें विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराता है, जबकि धर्म सोनी द्वारा लगाए गए सभी आरोप वास्तविकता से परे हैं। धर्म सोनी द्वारा लगाए गए आरोपों से फरियादिया का जो मान सम्मान नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में गुना में है, उस मान और सम्मान की हानि हुई है। वहीं उन्हें मानसिक पीड़ा भी हुई, जिसके लिए उपाध्यक्ष सोनी उर्फ धर्म दायित्वाधीन हो गए हैं। न्यायालय में दिए परिवाद में नपाध्यक्ष ने बताया कि परिवादिया एवं उनके पति अरविंद गुप्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से अभियुक्त को कई बार समझाया गया, किन्तु वह परिवादिया की मानहानि करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद सविता गुप्ता, मैं धर्म सोनी, मेरे पति पर और मेरे पर भी हमेशा आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। इनको पहले भी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और विधायक जी सभी लोगों ने समझाया, 6 महीने पहले इन्होंने पहले ही प्रताड़ित किया गया था। हम समाज में मेरी प्रतिष्ठा है, मैं महिला हूँ और माननीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी सिंधिया जी सभी लोग महिला को हमेशा आगे बढ़ाते हैं, और लेकिन ये हमारे उपाध्यक्ष हमेशा हमारा विरोध करते हैं, परिषद की बैठक में भी हमेशा लड़ाई झगड़े करते हैं कि बात बात पे झूठे प्रत्यारोप लगाते हैं, आरोप लगाते हैं मेरे पति के ऊपर। अभी उन्होंने गुंडागर्दी का आरोप लगाया, जबकि मेरे पति हमेशा सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा आगे रहे हैं, कभी किसी से उनका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा है, वो हमेशा सक्रिय रहे हर काम में। इसलिए मैं धर्म सोनी के ऊपर अपने वकील द्वारा मानहानि का दावा पेश करती हूँ, क्योंकि मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकती। ये अपमान मेरे पति के ऊपर लगाया जा रहा है। मेरे पति बिल्कुल हमेशा सबके साथ तत्पर रहते हैं और कभी गलत मेरे ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। किसी महिला के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाए जाएंगे तो पार्टी को तो पहले तो इनको निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि एक महिला के ऊपर इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाना गलत है। अध्यक्ष जी की ओर से दावा पेश किया गया है, क्या पूरा मामला था और क्या दावा किया? जैसा कि आप सब लोग मीडिया से हैं और आप सब लोगों को जानकारी होगी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब पर विगत 6 माह से उपाध्यक्ष धर्म सोनी द्वारा मेरी धर्मपत्नी जो पूर्व में पार्टी की जिला मंत्री थी, संगठन ने उनको जिला मंत्री बनाया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, फिर उनको भारतीय जनता पार्टी द्वारा वार्ड क्रमांक 2 से पार्षद का टिकट दिया गया, वो चुनाव जीती, उसके बाद आज नगर पालिका की प्रथम सेविका के रूप में काम कर रही हैं। उसके बाद 10 माह से झूठे सच्चे आरोप उनके द्वारा
मेरी धर्मपत्नी जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उन पर लगाए जाते हैं, और साथ ही अभी अभी उन्होंने मेरे ऊपर भी ये आरोप लगाया गुंडागर्दी का, जबकि मेरा 10-20-25 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे जिला प्रशासन और सबके पास है कि आज तक मेरी किसी से टू तड़क भी बात नहीं हुई। मैं सामाजिक व राजनीतिक व धार्मिक सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ व अपने नगर की सेवा में तत्पर रहता हूँ हर व्यक्ति के लिए, और इस तरीके के झूठे सच्चे आरोप बार बार लगाना, मीडिया में देना, पूर्व में भी इन्होंने जब अक्टूबर माह में ये आरोप प्रत्यारोप झूठे सच्चे अध्यक्ष जी पे लगाए थे, उस समय भी हमारे नगर पालिका परिषद के 32 पार्षदों द्वारा, 37 में से 32 पार्षदों द्वारा ये निंदा प्रस्ताव इनका पारित किया गया था। उसके बाद हमारे पूर्व विधायक माननीय पूर्व राज्य मंत्री गोपीलाल जी जाटव जी के घर पर जिलाध्यक्ष जी और हम उपस्थित थे, वही उपाध्यक्ष जी थे, उस समय भी जिलाध्यक्ष जी ने व पूर्व राज्य मंत्री जी गोपीलाल जी ने भी उनको समझाया था कि भाई पार्टी की बदनामी होती है, पार्टी की छवि धूमिल होती है, आपको कोई समस्या है, कोई बात है, कोई दिक्कत है तो आप पार्टी स्तर पर रखिए। उसके बाद भी वो लगातार मीडिया में और उसमें छपवाते रहते हैं और उल्टा सीधा ज्ञाप वो देते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, वो हमारे नेता श्रीमंत महाराज साहब को भी उन्होंने झूठा सच्चा पत्र लिखा और मीडिया में छपवाया, और उनका ये कहना था उसमें जो उन्होंने शिकायत की कि इनकी वजह से नगर पालिका की वजह से महाराज साहब जो एक झूठा एक अपने आप को ये साबित करना कि हम श्रीमंत महाराज साहब के खास हैं, एक द्वेष भावना से उसमें उन्होंने अरे साहब महाराज ये नहीं होता तो ये महाराज के वोट पड़ते, ये तो जग जाहिर है। आप लोग बताइए कि नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में जो परिषद चल रही है भारतीय जनता पार्टी की जो नगर पालिका है, के पूर्व में 6 माह पूर्व भी विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब हमारे देश के हमारे नेता जो कि विश्वविख्यात नेता हैं माननीय मोदी जी, उस विधानसभा में गुना में उनका आम सभा हुई थी और हम ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी 30,000 मतों से जीती थी। उसके बाद अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ और नगर से जीते थे 30,000 मतों से, उसके बाद जब अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ तो विधानसभा चुनाव चूंकि भीषण गर्मी थी लगभग 500 वोट कम डले, उस टाइम 99,900 कुछ वोट डले थे, इस बार 99,400 कुछ वोट डले, यानी 500 वोट लोकसभा में कम डले। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमंत महाराज साहब 55,000 मतों से जीते, यानी 17,000 वोट नगर पालिका के 156 पोलिंगों पर बढ़े। यदि नगर पालिका अध्यक्ष या परिषद किसी भी तरीके से जनता की सेवा या कोई गलत काम कर रही होती तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये मतदान और ये जो पार्टी का वोट बैंक बढ़ा उसका नुकसान होता, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पालिका परिषद की ओर से लोगों की शहर में सेवा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और ये है विकास, लोगों की सेवा और जन कल्याणकारी योजना जो सरकार की है उनको लागू करना व गरीबों का हित करना, उसी में हम तत्पर रहते हैं व हमारी जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं उसके बाद भी झूठे सच्चे आरोप लगाकर और पार्टी की छवि धूमिल करना व हमारे परिवार की छवि धूमिल करना, एक महिला को आज भारतीय जनता पार्टी में बिल लाया जा रहा है व आरक्षण दिया जाता है, वह महिलाओं को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आगे किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो महिलाओं को प्रोत्साहन कर रही है, आगे ला रही है, और एक नगर पालिका के उपाध्यक्ष जो जिनके परिवार को सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि उन्हीं के परिवार के एक व्यक्ति को अभी जिला बदल है जिनका नाम सैंकी सोनी है, वो किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं सबको पता है, राम सोनी जिन पे प्रकरण दर्ज हुआ कितने गलत उसमें प्रकरण दर्ज हुआ जो अभी सजा काट के जमानत पर आए हैं वो किस परिवार के हैं, ये उपाध्यक्ष जी के ही परिवार के हैं, उनको सबको पता है, आप सबको पता है, पूरे शहर को पता है, सारे नेताओं को पता है। उसके बाद उनके खुद पिताजी पर दो दो बार राजस्थान और यूपी की पुलिस द्वारा जो भी कार्रवाई की गई हो ये भी शहर में एक चर्चा का विषय रहा, और वो हम जैसे लोगों पर जो हम रात दिन सेवा कर रहे हैं और हम आज तक किसी भी आपराधिक या किसी भी गलत उसमें नहीं है, हम लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, पार्टी के लिए कार्य करते हैं,
पार्टी का मत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि अभी सामने सब कुछ प्रमाणित है, सारे शहर को पता है। उसके बाद लगातार बार 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 हम पे झूठे सच्चे हमारे को मानसिक प्रताड़ना देना, हमारा शहर में अपमान कराना, लोगों को हमारे प्रति गलत तरीके से, गलत नज़रिए से देखने की दृष्टि से प्रेरित करना, ये कहाँ का सत्य है। आज उसी की वजह से जब हमने बार बार पार्टी स्तर पर भी इस बात को रखी और उसके बाद भी वो व्यक्ति मानने को तैयार नहीं, तो हमने जो है आज अध्यक्ष महोदय ने, मेरी धर्मपत्नी ने आज उनके ऊपर कोर्ट में मानहानि का दावा पेश किया है। और अगर आगे भी वो ऐसी हरकत करते रहेंगे तो हम जो हमारे कानूनी कार्रवाई एक व्यक्ति के पास होती है, पार्टी स्तर पर बात रखने, संगठन स्तर पर बात रखने के बाद, अपने नेता के पास बात रखने के बाद, अंतिम चारा जो हमारे पास बसता है वो न्यायालय का बसता है। एक बार हो, दो बार हो, बार बार उनने तो अपनी प्रवृत्ति बना ली, जबकि अभी भीषण गर्मी में आचार संहिता में लोकसभा की 22 बोर हुए, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने उनके वार्ड में ही बोर की आवश्यकता थी, लेकिन जो उनका बड़ा एक बार धर्म सोनी उपाध्यक्ष का भी है और उनके वार्ड में अभी लोकसभा के चलते ही डामरीकरण का कार्य मेन सदर बाजार में कराया गया, उसके बाद उनके वार्ड के अभी दो दो तीन तीन टेंडर पड़े हुए हैं, उनके घर के जितने नामांतरण आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, सारे नामांतरण नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने उनके परिवार के अभी 3 माह पहले किए हैं। उसके बाद भी आप झूठे सच्चे आरोप लगाना, क्यों कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही, ये सब समझ सकते, सब जान रहे हैं, इसके कारण से वो चाहे जब अनगलर और तो और कम से कम उनको ये सोचना चाहिए कि जब हम परिषद में माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय के बगल में बैठे हैं तो वो अपशब्द और गालियां भी निकाल देते हैं। हमारी परिषद में 22 महिला पार्षद हैं, उनको ये भी चिंता नहीं रहती कि महिलाएं बैठी है और हम गालियां निकाल रहे हैं मुँह से या तू तड़ाक बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उनको खुद को ही ख्याल नहीं रहता। इसी कारण से आज जो है नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने उनके ऊपर मानहानि का दावा पेश किया है। अध्यक्ष जी के साथ मानहानि का दावा लगाया, क्या है मामला? मुझे नगर पालिका परिषद की अध्यक्षा श्रीमती सविता अरविंद गुप्ता जी ने अवगत कराया कि उनके ऊपर और उनके पति जो कि समाज सेवक हैं, पूर्व पार्षद रहे और जिनका कभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा, नगर पालिका के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र उर्फ धर्म सोनी के द्वारा झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और उन आरोपों में किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है, ऐसा मुझे नगर पालिका अध्यक्ष जी ने बताया। नगर पालिका अध्यक्ष जी की बात सुनकर मैंने आज नगर पालिका अध्यक्ष जी की ओर से माननीय JMFC न्यायालय गुना में एक परिवाद भारतीय न्याय संहिता जो कानून कल से लागू हुआ है उसके अंतर्गत धारा 356(2) का उपयोग करते हुए परिवाद पेश किया है और मानहानि के परिवाद पेश होने के बाद उसमें 8 तारीख आगामी दिनांक लगी है। मतलब इस मानहानि में आपने क्या सजा के तौर पर क्या पेश? देखिए, मानहानि में जो सजा है वर्तमान कानून में वो 2 वर्ष की सजा है, तो 2 वर्ष की सजा और जुर्माना जो भी न्यायालय उचित समझेगा वो विचारण के बाद दंड अध्यारोपित करेगा। आज तो हम मांग कर सकते हैं और सजा देना नहीं देना ये न्यायालय का काम है, क्योंकि परिवादिया पर नगर पालिका अध्यक्ष जो है उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, तो किसी भी महिला पर, जबकि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार पूरा और भारतीय जनता पार्टी लगातार महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है और महिला आरक्षण बिल भी लाई, ऐसी स्थिति में गलत है किसी भी महिला पर आरोप लगाना। कुंडल का पुरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों के 13 से अधिक लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती। गुना जिले की चांचोड़ा तहसील के चांचोड़ा थाना क्षेत्र के कुंडल का पुरा में 2 जुलाई को 2 पक्षों में खेतों पर खूनी संघर्ष हो गया। घटना की प्राथमिक जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के 13 लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। सरकारी जमीन पर कब्जे एवं खेती करने के विवाद में दोनों पक्षों में संघर्ष होना बताया गया है। चांचोड़ा थाना पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं 108 एम्बुलेंस से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार जमीनी विवाद में दोनों पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में एक महिला को ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया गया। घटना में 4 की हालत गंभीर बताई गई है। गंभीर घायलों को गुना जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चांचोड़ा थाना क्षेत्र के कुंडल का पुरा गांव की घटना बताई गई है। दोनों पक्षों के
13 के करीबन लोग घायल बताए गए हैं। चांचोड़ा थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। कहाँ रहते हो? कुंडल का पुरा। कौन सा थाना लगता है जी? थाना चांचोड़ा जी। बताए क्या हुआ आपके साथ? सर हम हमारे विवाह चल रही जगह बारह जो जगह है सरकारी और वो कब्जो है हमारो है कब्जो हमारो है बाप बूढ़ा भारत कम से कम 50 साल हो गया। बोले 12 गांव से पूछी जाए जमीन हमारी और हमारा अंतर में सी ठेठ धन से हमारा बूढ़ा मर गया दले सिरकर पर कब्जो हमारो सो। इसके बाद में सर वे लोग लाठी पलसी तलवार और ट्रैक्टर लेके आया था और हमने की भाई साहब हमारा डांडा चल रहा था हमारा डांडा नहीं कि ये जमीन तो जबरदस्ती की हमारी है कि यार तुम्हारी कसा है कि जमीन तो हमारी है कि नहीं हमारी है सर। इसकी बात में बस हमला कर दिया और लड़ाई खूब जम के हुई। कितने लोग थे वो? 30-40 लोग है सर। और आप कितने लोग थे? ये यही है जी 10-12-15 मान मेरा मना। तो आपके यहाँ कितने लोग घायल हुए हैं? यहाँ 13 लोग है सर। तो ट्रैक्टर किसको को चला दिया? ट्रैक्टर ये केलाद के ऊपर और सोरम भाई। हाँ सोरम भाई के ऊपर चढ़ा केलाद के ऊपर चढ़ा। क्या नाम है आपका? गोरीला। कहाँ रहते हो? कुंडल कपूरा। थाना कौन सा लगता है? चांचोड़ा जी। बताएं क्या हुआ है आपके साथ जी? लड़ाई। कैसे हुई? जाप का बदल जगह का बदल जमीन की वजह। जमीन किस किस बीच कौन कौन के बीच में हुई? 50 आदमी। हाँ तो क्या हुआ? ज्यादा बदल वही ज्यादा ट्रैक्टर से पर्सी से लकड़ी से चक्कू तलवार सबसे हमला कर दिया। किसके ऊपर हमला किया? हमारे ऊपर। आप वहाँ क्या करने गए थे? हमारी खेती थी सर, वे हमारी खेती में आया था। बोने गए थे? क्या करने गए थे? वे उनका ट्रैक्टर फेर रिया था हमारी खेती में। हमने मना करी तमें मार जबरन चुड़ा दिया। हमारे जन्म की बूढ़ा की जमीन थी हमारे। कितने लोग घायल हैं आप? 12-13 लोग। वो कौन लोग थे जो आपको मारपीट की? गांव वाले। क्या नाम है? बंसीलाल गुलाब सिंह अंदर सिंह और ऐसा 30-40-50 लोग। गुरु गोविंद दौ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। जी हाँ गुरु की महिमा को बखान करने वाले इस दोहे की पंक्तियाँ कृतज्ञ भाव में उस वक्त चरितार्थ होती नजर आई जब कन्या माध्यमिक विद्यालय बजरंगगढ़ में पदस्थ शिक्षक प्रद्युमन सोनी की सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह रखा गया। गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाली छात्राओं की आंखों से सजल नीर की धारा अविरल बह रही थी तो वहीं दूसरी ओर गुरु भी अपनी आंखों के पानी को टपकने से रोक नहीं पाई। जब भावुक मन से श्री सोनी को विदाई पार्टी दी गई तो स्कूल की छात्राओं एवं स्टाफ की आंखें नम हो गई। इतना ही नहीं माहौल इतना ज्यादा भावुकता पूर्ण हो गया कि वहां जो भी व्यक्ति पहुंचा उसकी आंखें नम हुए बिना नहीं रह पाई। सहयोगियों सहपाठियों और शुभचिंतकों ने भावपूर्ण विदाई देते हुए उन्हें एक आदर्श शिक्षक करार दिया और इसका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट उन छात्राओं के बहते हुए आंसुओं ने दे दिया जो बार बार लिपट लिपट कर अपने गुरु से पिता की तरह स्नेह व्यक्त कर रही थीं। उनसे बिछड़ने की उस घड़ी को बर्दाश्त करने में अपने आप को संभालने के सामर्थ्य नहीं जुटा पा रही थीं। वास्तव में यह आयोजन किसी शिक्षक की विदाई पार्टी नहीं बल्कि उस गुरु शिष्य परंपरा की मजबूत नींव को प्रदर्शित कर गया जिसके नजारे इस देश में इस समय इक्का दुक्का ही देखने को मिलते हैं। कलेक्टर द्वारा बजरंगगढ़ स्कूल के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई गई खेल सामग्री प्राप्त होने पर बच्चों के खिले चेहरे कलेक्टर को दिया धन्यवाद। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 18 जून से 20 जून 2024 तक स्कूल चले हम अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसके तहत 20 जून 2024 को भविष्य में भेंट के दौरान जिले के कलेक्टर द्वारा शासकीय बालक महाविद्यालय बजरंगगढ़ और शासकीय उमावी बजरंगगढ़ में जाकर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया गया एवं एक पीरियड पढ़ाकर उन्हें
ज्ञान उपयोगी मार्गदर्शन दिया गया था। इस दौरान कलेक्टर ने बच्चों से पूछा कि आपको क्या चाहिए। बच्चों ने कहा कि हमें खेल सामग्री चाहिए, हमारे स्कूल में खेल सामग्री नहीं दी गई। कलेक्टर ने सहर्ष स्वीकार कर खेल सामग्री प्रदाय करने का आश्वासन दिया था। इसी क्रम में कलेक्टर डॉ सत्येंद्र सिंह द्वारा आज जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय बजरंगगढ़ एवं शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बजरंगगढ़ के बच्चों खेलकूद का सामग्री बैडमिंटन, चिड़िया बल्ला, कैरम बोर्ड, बास्केटबॉल, सितोलिया आदि उपलब्ध करवाई गई, जहां आज जिला शिक्षा अधिकारी सीएम सिसोदिया द्वारा आज विद्यालय पहुंचकर बच्चों को खेल सामग्री प्रदाय। खेल सामग्री प्राप्त होते ही बच्चों के चेहरे खुशी से खिल गए और विद्यालय के छात्र विवेक, शरद एवं छात्राएं अंजलि पाल, शिल्पा खान एवं शानिया खान आदि बच्चों द्वारा कलेक्टर को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस दौरान विकास खंड शिक्षा अधिकारी गुना आशिफ खान, प्राचार्य उमावी बजरंगगढ़ एस एस शर्मा, प्रधानाध्यापक मावी बजरंगगढ़ श्रीमती रमा शर्मा उपस्थित रहीं। वसुंधरा क्लब गुना द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सत्र 2024-25 के लिए नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई। संस्थापक नरीदर संधु ने नीतू जैन को अध्यक्ष के पद पर, नीतू जग्गी को सचिव के पद पर और तनु चौहान को कोषाध्यक्ष के पद का देने की घोषणा की है। अध्यक्ष एवं सचिव का कॉलर पिन एवं निवर्तमान कोषाध्यक्ष दीपिका लांबा को कोषाध्यक्ष को कोलार पिन प्रदान किया। अध्यक्ष नीतू जैन ने बोर्ड के सदस्यों अर्पिता देव, रीमा यादव, दीपिका लांबा के नाम की घोषणा कर माल्यार्पण से उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर क्लब संस्थापक ने अपने उद्बोधन में सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया एवं शॉल भर सहयोग करने का आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर यादगार बनाने के लिए विभिन्न गेम रखे गए, जिसमें पंचवलिटी गेम में सिमी सूद विजेता रही। अन्य गेम में भारतीय पारसर रूपाली श्रीवास्तव, नेहा सक्सेना विजेता रही। प्रश्न उत्तर राउंड में मंच शर्मा, नीतू जैन, मीनू श्रीवास्तव, सिमी सूद, नम्रता श्रीवास्तव ने जीत हासिल की। सभी विजेताओं को उपहार दिए गए, साथ ही शॉल भर सहयोग देने के लिए सदस्यों को क्लब की ओर से उपहार दिया गया। नवीन सत्र आरंभ होने पर नए सदस्य के रूप में दीप्ति अग्रवाल एवं रोजी होरा को क्लब सदस्य बनाया गया। आगामी अध्यक्ष नीतू जैन ने अपने उद्बोधन में सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया और कहा कि अपने कार्यकाल को सुचारू रूप से संचालित करने से आप सभी सदस्यों का सहयोग एवं साथ अपेक्षित है। कार्यक्रम के अंत में नीतू जग्गी ने सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रजनी बिंदल, निशी सूद, अनुपना जैन, डोली शर्मा, सपना तिवारी, ज्योति भार्गव, नीलम धाकड़, अनिता माधवानी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। युवा संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन AIDYO ने निजी दूरसंचार कंपनियों द्वारा नेट पैक एवं मोबाइल रिचार्ज की कीमतों में मनमाने तरीके से की गई बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ अखिल भारतीय विरोध दिवस आयोजित किया। आज गुना जिला मुख्यालय के नगर पालिका के पास मोबाइल रिचार्ज की दरों की बढ़ोतरी की प्रतियां जलाई AIDYO नगर कमेटी प्रदर्शन कर कलेक्टर के माध्यम से ट्राई के अध्यक्ष को ज्ञापन भेजा। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए युवा संगठन AIDYO नगर कमेटी अध्यक्ष संजीव पिप्पल जी ने कहा कि आज के दौर में जब एक तरफ सरकारों द्वारा सारी सेवाओं का डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है तथा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन फॉर्म एवं परीक्षाओं के लिए छात्रों, युवाओं सहित हर वर्ग की इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ती ही जा रही है और इंटरनेट, मोबाइल डाटा व रिचार्ज व्यक्ति के जीवन का अपरिहार्य अंग बन चुका है, जो दूसरी तरफ जनता बेकारी एवं महंगाई से त्रस्त है और उसके लिए दो वक्त की रोटी जुटाना भी असंभव होता जा रहा है, किंतु सरकारी नीतियों के चलते उसके लिए मोबाइल डाटा इतना आवश्यक हो गया है कि वह भूखे रहकर मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसे बचाने को मजबूर हो रहा है। किंतु यह बेहद हैरान देने वाली चिंताजनक खबर है कि आम जनता की ऐसी बदहाल एवं मजबूर परिस्थितियों में भी निजी दूरसंचार कंपनियों द्वारा मनमाने एवं अमानवीय तरीके से प्रीपेड मोबाइल और डाटा सेवाओं के शुल्क में भारी वृद्धि कर दी गई है और ऐसा देखा जा रहा है कि कोरोना काल के बाद से आपदा में अफसर की तलाश करने वाली निजी कंपनियों द्वारा ऐसा बार बार किया जा रहा है। इससे भी अधिक आश्चर्य और हैरानी की बात है कि दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI, जिससे मोबाइल उपभोक्ताओं के हित में निष्पक्ष, पारदर्शी एवं सुरक्षित नीति व माहौल प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, वहीं मूक दर्शक बनकर निजी कंपनियों पर अंकुश लगाने की बजाय उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कीमतों में भारी वृद्धि कर उपभोक्ताओं को लूटने की अनुमति दे रही है। अतः हम दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI से मांग करते हैं कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करते हुए निजी दूरसंचार कंपनियों को उपभोक्ताओं के हित में रिचार्ज एवं डेटा शुल्क में की गई अनुचित वृद्धि को तुरंत पूरी तरह से वापस लेने के लिए मजबूर करें तथा केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL को पुनर्जीवित करते हुए देश के मेहनतकश लोगों के लिए उचित किफ़ायती मूल्य पर संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
प्रदर्शन का संचालन रविंद्र प्रजापति ने किया। उपरोक्त मांग को लेकर AIDYO की तरफ से आज 2 जुलाई को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है तथा 3 जुलाई को TRAI को सामूहिक रूप से मेल भेजकर अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। आज हम लोगों ने यहाँ पर जो एयरटेल VI और जियो के द्वारा जो कुछ दिनों ही पहले 25-30% की जो मूल्य वृद्धि की गई रिचार्ज और डाटा पैक है उसके खिलाफ में यहाँ पर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया इस बेतहाशा वृद्धि को वापस लेने की मांग पर। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पूरे देश में डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, हर एक चीज़ को डिजिटल उसमें जोड़ा जा रहा है, ऐप के माध्यम से हो या ऑनलाइन के माध्यम से हो, पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो, सब कुछ। ऐसे में जो महंगाई की भी जो मार है, पैक को भी महंगा करना एक तरह से ओवर उनके ऊपर अत्याचार होगा। और जिस तरह से मोनोपोली इन फ्रेंची कंपनियों टेलीकॉम कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, ये तो और भी ज़्यादा घोर अलोकतांत्रिक है। इस तरह की मूल्य वृद्धि करना, खासकर ऐसे समय में जब लोगों के पास रोजगार नहीं है, जीवन यहाँ पर करने का उचित साधन तक नहीं है, ऐसे मूल्य वृद्धि जनित ऐसी नहीं है। इसलिए हमने ट्राई जो सरकारी संस्था है उससे मांग कर रहे हैं कि BSNL को दोबारा से रिस्ट्रक्चर किया जाए, उनको पुनः खड़ा किया जाए, 5G 4G उसमें नेटवर्क दिया जाए और इन कंपनियों की मनमानी बंद की जाए, मूल्य वृद्धि वापस। क्या नाम? मेरा नाम नीरज बैरागी, जिला सचिव AIDYO। 3 जुलाई को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय रहेगा बाधित। प्रबंधक कैंट जोन गुना द्वारा दी गई जानकारी अनुसार 11 केवी लाइन पर 5% मेंटेनेंस कार के चलते दिनांक 3 जुलाई 2024 को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक 11 केवी कैंट फीडर अंतर्गत कालापाछा, तुलसीबस्ती, गुलाबगंज, डोंगापुरा, पटेल नगर, कैंट चौराहा, बांसखेड़ी, गोविंद गार्डन, लूशन बगीचा, ऑफिसर कॉलोनी आदि क्षेत्र का विद्युत प्रवाह बाधित रहेगा। विद्युत कटौती की समयावधि को आवश्यकतानुसार घटाया अथवा बढ़ाया भी जा सकता है।